हाँ ये देखें, अभी इसमें छनाई हो रहा है पतले कपड़े में, और इसके अंदर वाला जो माल है ना वो कुछ ज्यादा अच्छा है। ये देखें, ओए होए 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 होए, ये देखें जी, पहले पहले जो है बादाम और लाचिया। वाह यार मामू, ये ऐसे बन गया जैसे मुझे लगता है खुहा बना लिया आपने। बर्फी कुहा नहीं बनता, बिल्कुल वैसे बन गया है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे अल्लाह के फजल करम से। हम भी बिल्कुल ठीक है और आप बहन भाइयों की दुआ है। तो माशाल्लाह जी शाम का आगाज हो चुका है, और इधर जो है मेरा मामू जान जो है वो आज बना रहे हैं ठंडाई। और वो किस चीज़ से बना रहे हैं आप बहन भाइयों को आज शेयर करते हैं कि आजकल जो है ये कैसे बना रहे हैं ठंडाई और कैसे पीते हैं। ये देखिए जी, पहले पहले जो है बादाम और लाचिया। वाह जी वाह, चेक करें शाह, बादाम और लाचिया है। इसको रगड़ते हैं पहले। ओए नाना आपको मारेगा भी सही, पता है नाने के हैं। इधर देखो रगड़ाई हो रही है मामू, ये क्या है? ये खसखास है। खसखास, वाह जी वाह। और ये क्या है? ये चारे मगज। चारे मगज, मतलब ये दिमाग तेज करता है। चारे मगज है, चारे मगज तेल के अंदर साठ आपका दिमाग तेज हो जाएगा। इसका तेल भी बनता है? हाँ पे। वाह जी वाह, बादाम चेक करें, इतने सारे बादाम। वाह जी वाह, ये भी टोकरा भरा हुआ है और इधर भी। असल में पता है क्या, ये जो है ये ऐड कर रहे हैं मामू, ये भी ऐड कर रहे हैं, ये बच्चे रखे हैं अभी फिलहाल, ये अभी शापर में डालने हैं कि वे फिर ये बाद में बनाएंगे। हाँ, ऐसे ना? हाँ, ऐसे ही है। पता क्या, शापर फट गया था, सारी चीजें मिक्स हो गई थी, फिर अलग अलग किए हैं। अच्छा, अक्सा ने पहले पहले बादाम उठा भी लिया है, भी लिया। खा रही हो आप आलू बुखारे? नहीं खाती? हाँ खाती हूँ, ये खाती है जी। चले माशाल्लाह, अभी फिलहाल जो मामू रगड़ाई कर रहे हैं, चेक करें, मट्टी की बिल्कुल चाटी है और उसमें जो है ये रगड़ाई हो रही है। और जैसे भी मामू बनाते रहेंगे हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे कैसे बनता है ये। अभी जो है मेहनत कर रहे हैं, फिर इंशाल्लाह साथ मिलकर पिएंगे ना, ये ना ऐसे है। गुड हो गया जी, अभी अपने प्याले वगैरह साथ रखे हुए। वाह जी वाह। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, हंसते और मुस्कुराते रहो। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, घर वाले भी साथ ठीक हैं। जब बीमार अल्लाह पाक कुछ खाता भी मैं जब और इधर जो है चलते हैं अम्मी के पास और अम्मी देखते हैं क्या कर रही है। वाह जी वाह, चेक करें, तूरियां ही तूरियां धुल रही हैं, वो भी बड़े बड़े थाल में, जबरदस्त धुल गई हैं। गुड हो गया जी, चेक करें, अम्मी ने जो है अम्मी टूटी अभी चल रही और धोनी है क्या? नहीं, धुल गई है पूरी मुकम्मल। हाँ, वाह वाह, तूरियां माशाल्लाह धुल गई हैं, धुल कर जो है आ गई हैं, चेक करें। और मिसाला भी साथ है, टमाटर वगैरह वो भी, मिर्चियां भी धुल गई हैं, मोटी मोटी मिर्चियां हैं, ये देखें इतनी बड़ी बड़ी मिर्चें हैं, चेक करो। मैं के बार बार ना धोवा सब कुछ इकट्ठे धो के बैठो तो छिलो बनाओ। सही बात है। अभी जो है इसमें बादाम जो है वो ऐड किए जा गए हैं, और अभी जो है इसकी फुल वो कुटाई हो गई है, जो मामू बता रहे थे चारे मगज वो भी इसमें ऐड कर दिया है, चारे मगज भी। और इधर जो है साथ साथ जो है चीनी जो है मिक्स कर रहा है पानी ऐड करके। और ये देखें अभी जो है बादाम आधे जो है कुट गए हैं, जब थक जाना बताना साहब। नहीं कुछ नहीं बताना, मैंने कहा जब थक जाओ ना फिर मैं आपके साथ हेल्प करवाऊँगा, क्योंकि मैंने भी वो पीना है ना। ठीक है, हाँ जी हाँ जी। आयशा जी शुरू करो ना, आप अपना खाना वगैरह तो शुरू करो। छुरी छीलने वाले ढूंढ रही थी और देख के आई हूँ, टोकरी में नहीं मिली। पूरे घर में आपको नहीं मिल रही छुरी? पूरे घर में कैसे हो, उसमें टोकरी में थी, मुझे लगता है अम्मी लोग के घर ना, पूछ लो मैं। अच्छा, क्योंकि ये तूरियां हैं छिलाई होंगी, फिर आपको पता है इतना कितना पानी निकलता है, पानी तो इतना निकलता है पूरी देख तला। हाँ, फिर आप ये बस छीलो, बस इधर से ये ठंडाई बन रही है, ये देखो साथ भी लगा मामू भी लगा हुआ है, फिर ठंडाई पीते हैं। और मौसम भी प्यारा हो गया है, चेक करें, हवा चल रही ना, ठंडी ठंडी हवा आ रही होगी अभी। हाँ। शहीना कहाँ जा रही हो बेटा? कहीं नहीं जा रही। अच्छा अच्छा, आ जाओ इधर बैठो सुकून से, ठंडी ठंडी हवा चल गई है।
और अम्मी जो है यहाँ पे देखें तूरिया जो है वो छिलाई करके इधर रख रही है, और ऐशा जो है वो गई हुई है अपनी अम्मी के घर, क्योंकि उसने कहा मेरी अम्मी के घर जो है वो छुरी रखी हुई है। और अक्सा को मैंने आलू बुखारा जो है वो दे दिया है, क्योंकि ये आजकल जो है आलू बुखारा खाएगी तो ये जो है रत्ती रत्ती होगी। कैसे बाबे को तो दो थोड़ा सा। अक्सा आपको खुराक लगी हुई है, हैं? अच्छा है, अच्छा है। ये 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 यार मामू ये ऐसे बन गया जैसे मुझे लगता है खुहा बना लिया आपने। हाँ। बर्फी कुहा नहीं बनता, बिल्कुल वैसे बन गया है ये देखो। ये ऐसे लग रहा है लेकिन ये हाँ इवन ऐसा खुहा लग रहा है ना। हाँ, हम कपड़ा कैसा यूज कर रहे हैं? ये कपड़ा इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हाँ अच्छा इसलिए सिर्फ अच्छा ठंडाई बना रहे हैं जी गर्मियों के लिए। गर्मी जो है जब ज्यादा हो जाए ना फिर बादाम खसखस ये दूध ये सारी चीज़ें। ये देखो दूध भी आ गया है, अभी इसमें देखना दूध ऐड करेंगे। देखते रहना यार ये होती रहती है, कोई बात नहीं है, यही तो लाचियाँ हैं। पता नहीं क्या वजह ये लाचियाँ आजकल ज़्यादा हो गई हैं। अच्छा खुशबू सही नहीं आती जी, जो लाचा होती है उसकी खुशबू और होती है। वो मामू ने वैसे लाचियाँ डाली थी जी। वाह जी वाह, अभी तो गोटा बन गया है फुल जबरदस्त यार, गुड हो गया। अभी देखना उस मीठे पानी में जो है वो ऐड करेंगे, और देखना जब बन जाएगा ना फिर ऐसे लगेगा जैसे मुंह में जो है पानी आ रहा हो। तेरी बेटी के मुंह में पानी आ गया, रोने लगी। हाँ अक्सा चलो यार डालो डालो उसमें डालो। अच्छा मिक्स कर लो कर लो। शाइना बेटा क्या बना रही हो यहाँ पे? गैस जलाया हुआ है आपने, पतीला चढ़ा हुआ है। हाँ, वो गोटा बना रहे मामू, आप चाय बना रही हो? अच्छा उनके लिए चाय बन रही है, वो गोटा नहीं पियेंगे? वैसे पता है अम्मी और अब्बू जो है वो चाय पीते रहते हैं अक्सर, सुबह भी पीते हैं शाम को भी कभी कभी पीते हैं। जब सर में दर्द होते हैं वो बोलते हैं हमें चाय पी जाए ना तो फिर हमारा जो है दिमाग सही हो जाता है, क्योंकि ऐसे सुन रहता है। अच्छा अच्छा वाह जी वाह, शहीना बेटी जो है यहाँ पे चाय बना रही है अम्मी और अब्बू के लिए। चलो अच्छा कर रही हो, गैस भी माशाल्लाह चल रहा है यहाँ पे। चलो हम उधर गोटा बना रहे थे, बहुत पसीना पसीना हो गए बहुत मेहनत हो रही है। वैसे मेहनत होती है लेकिन गोटा ठंडा बड़ा ज़बरदस्त होता है, मैदे को ठंडा फुल करता है, क्योंकि जो खसखस होती है ना वो बारीक वाली तो वो ठंडी बहुत ज़्यादा होती है, और उसमें बादाम हो सारा कुछ हो ना फिर वो और मज़ेदार बनता है ठंडा। तो मामू ने कहा आज बनाते हैं, सुबह से मुझे कह रहे थे लेकिन अभी टाइम लगा तो फिर अभी जो है बनाना शुरू कर दिया है। और जो ये इसमें सारा मुरब्बा बना हुआ था अभी जो है इसमें डाल दिया है, और ऊपर से जो है पानी भी डाल रहे हैं, क्योंकि ये जो है कुछ गाढ़ा ज़्यादा था तो पतला हो जाए, फिर जितने भी यहाँ पे लोग हैं सारे जो है वो पी लें। सही हाँ, ये देखें अभी इसमें छनाई हो रहा है पतले कपड़े में, और इसके अंदर वाला जो माल है ना वो कुछ ज्यादा अच्छा है। ये देखें ओए होए 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 होए, आपको क्या हो गया? खुशी से मेरे आंसू निकल आए। बनाने वाला तो गरम पानी है। तीन बंदे जो है मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत का फल जो है वो यहाँ पे ये देखें निकला हुआ, चेक करें ओए बाल्टी चेक करें। अभी देखना इसको अब नपीड़ेंगे ऐसे करके ऐसे, ये देखें ये देखें असल माल तो इधर रखा हुआ है जो सबसे गाढ़ा है। इवन आयशा जी हाँ चेक करो ये। वैसे ये तो ये होते हैं बादाम अखरोट, हाँ बादाम अखरोट होते हैं। बोले ना फोग क्यों नहीं खाओ? फोग भी खाओ मोटी हो जाओगी। तू सानी क्या क्या नहीं खाओगी ना? हम नहीं खाते ज्यादा मोटा हो जाए। इसमें से जो फोग बचता है ना जैसे अभी चाय बन रही है उसका फोग खाते हैं नहीं। इसका भी ऐसे होता है, इसका असर तो निकल जाता है फिर ये कोई काम की नहीं होती। हाँ ये बात है, पत्ती का असर निकल जाता है वो चाय बन जाती है, पत्ती जो है वो फेंक देते हैं चाय जो है वो पी जाते हैं। ये भी ऐसे है बादाम की जो असर है वो निकल जाता है, कसकास का भी सारा कुछ का, और बाकी जूस शूस वो बना लेते हैं, बाकी बचता है वो फोग फोग जो है वो फेंक देते हैं।
सही ऐसे होता है ठीक। ये देखो जैसे ये अभी नपेड रहे हैं ना, इसका फोक बचेगा, बाकी वो फिर आप खा लेना। मैं नहीं खाते। हंस रहे। मैं वैसे सलाह कर रही थी। सलाह वही मैं भी आपको सलाह दे रहा हूँ यार, वो नहीं खाते जैसे वो चाह मीठा हुआ है। हाँ माँ, चाह मिठी हुए फिक्की हुए ना, ढेर हुए ना थोड़ा हुए, इवे ना रुखिया। हाँ सही हो, मीठा भी सही हो और पत्ती भी सही हो। वाह जी वाह, हाँ ज्यादा तेज भी नहीं हो कि मेरे किया जी। हम भी कह रही है मीठा जो है वो ना तेज हो ना ज्यादा हो ना कम हो। नहीं मैं इसलिए पूछा कि कोई कम पीता है कोई तेज पीता है। कोई नहीं पिएगा, सिर्फ अम्मी और अब्बू पिएंगे। हाँ जी मैं नहीं पीऊंगा, मैं वो ठढाई को देखी हुई है मैंने, फिर वो ठढाई पी ना। और चीनी डाली है क्या इसमें? थोड़ी सी डाल दी है। चलो बस बन गई है तो आप इंतजार कर रहे हैं अम्मी भी। हाँ जी उनको दो फिर, हाँ बॉयल हो जाए थोड़ी सही से पक जाए ना, फिर पिलाना अम्मी अबू को। और आपका सफर कैसे रहा, वहाँ गए थे पौधी पर होकर आ गए हो? माशाल्लाह सही रह गए, चलो अच्छा किया है। चलो तो बहुत जाना तो पड़ता है ना। हाँ ये बात है, जाना चाहिए। मैंने अम्मी को इसलिए भेजा था आप लोगों के साथ, मैंने कहा आप भी साथ चली जाए तो फौत किसे होकर फिर आ जाए, क्योंकि करीबी है ना, फिर अच्छी बात है। हाँ साथ बना लिया है, सही बन गया टाइट वाला। चलो फिर गिलास वगैरह इकट्ठे करो, पीते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी गोटा जो है तैयार हो गया है, वीआईपी को अभी जो है सबको देना जो है वो शुरू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत ही मज़ेदार का है होता है, और आप लोग भी बनाया करो पिया करो, बहुत ठंडा होता है गर्मी के लिए ना, ये लाजवाब होता है। बहुत ही बहुत अगले बजे को तैयार उन्होंने गिलास और ले होता। माशाल्लाह जी इधर जो है सारे काम जो है समेटे जा रहे हैं, रुकिया जो है इधर सारे बर्तन वगैरह जो है वो धो रही है, क्योंकि अभी चाय वगैरह बनाई है और उसके बाद जो है ठंडाई जो है पी है। माशाल्लाह बहुत ही ठंडी थी, कैसे मज़ा आया है? मज़ा आया, आज बहुत मज़ा आया। अच्छा है ना, गर्मी मैंने कहा इतनी बहुत ज़्यादा थी, मामी ने कहा कि आज बनाते हैं, क्योंकि कभी कभी मामू को जो है जोश आता है तो फिर वो मामू बनाता है, इसलिए हमने ये चाटी जो है रखी हुई है। ये देखें ये वाली चाटी अभी धोकर इसको उल्टा करके रख दिया यहाँ पे, फिर इंशाल्लाह जब भी मूड होगा गर्मी ज़्यादा होगी तो हम फिर बनाएंगे। लेकिन आप भी बहन भाइयों बनाया करो, ये बहुत ही ठंडी होती है, बादाम खसखस लाचा वगैरह दूध ये सारी चीज़ें ऐड करके बहुत ठंडी होती है। हम घर में बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार बनती है। अभी एक गिलास एक गिलास सब ने पिया है और बहुत मज़ा आया है। और इधर जो है शहीना सिस्टर आटा जो है बुनाई कर रही है, वाह अम्मी के साथ हेल्प करवा रही हो आज जी। चलो अच्छी बात है, वैसे भी आप कामों में जो है एक्सपर्ट हो। काम वगैरह जो है वो जल्दबाजी में कर लेती हूँ। जल्दबाजी में काम करना मुझे अच्छा लगता है। अच्छा ऐसे ऐसे नहीं। अच्छा हाँ आपके घर आते थे ना आप, जल्दी जल्दी सालन भी बना लेती थी और रोटी भी बना लेती थी, तो चलो अच्छी बात है। इधर चलो कुछ दिन सुकून भी कर लो, हाँ जितने नसीब के दिन हैं इधर रह जाओ। जब आपका ससुर आ जाएगा लेने तो फिर आप चले जाना, अगर आएगा तो। अभी उसके साथ कोई बात वगैरह तो नहीं हुई, जब हो जाएगी तो फिर इंशाल्लाह। अगर वो तो आपका वो है क्या बोलते हैं राय है, अगर आप इधर रह जाओगे तो ठीक है, अगर आप चले जाओगे तो मैं कभी भी नहीं बोलूँगा आपको कि आप जो है अपने घर चले जाओ जी। हाँ जी क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा, मेरा दिल तो कर रहा है इधर ही रह जाओ बस। बाकी आपकी आगे आपकी मर्जी, सही है। हाँ आप आटा वगैरह गूंदो और आपकी जो है भाभी वहाँ पे सालन जो है बना रही है। आज हमने कहा ठंडी सब्जी बनाए, रात छोले और मुर्गी बनाई थी तो सब ने कहा बड़े गर्म थे। मैंने कहा चलो आज फिर हम ये बना लेते हैं, सही ये सही है ना सावित्री? हाँ, ठंडी सब्जी है, अच्छी बनती है। आप लोग बनाते थे? हाँ, शौक से जी। अच्छा ये हमारी रुकिया को सबसे ज़्यादा रुकिया को पसंद है, कहती है मैं बोलता हूँ ना घर में पूछता हूँ अम्मी से अम्मी क्या ले आऊँ, कहती है घी तूरी ले आओ सब्जी सावित्री। हाँ रुकिया कहती है बस घी तूरी ले, उसको ज़्यादा अच्छी लगती है। साथ को चावल पसंद है, फिर साथ कहता है मेरे लिए चावल ले आओ। हाँ, वो अभी भी बोल रहा था चावल ले आओ, हम जा रहे हैं।
वो कहते हैं बस छोले वाले चावल बनाओ। कैसे रुकिया? हाँ, मैंने कहा रुकिया को जो है घी तुरी पसंद है और साथ को जो है चावल पसंद है। रुकिया से पूछो, ये कहती है घिया तुरी जो है ठंडी होती है, बोल ले आओ जी। पानी ठंडा बनाया है आपने? जी बनाया है। पीने वाला ठंडा पानी हो तो फिर मुझे पिलाओ। वो बोतल रखी हुई उसमें से लेकर आओ। हाँ, उसमें से पिला दो एक गिलास। अम्मी जान बाहर रखी हुई है। चलो पी लेता हूँ फिर मैं। बस ले लो गिलास यहाँ से ना। जबरदस्त, आपने खाना बनाना शुरू कर दिया है। वाह जी वाह। अम्मी पानी है ठंडा? इधर जो है लहसुन और अदरक का पेस्ट भी बन गया है माशाल्लाह, चेक करें। और अम्मी जो है पानी पी रही थी तो अम्मी ने को मैंने कहा मुझे भी एक गिलास पिला दो। साद और अक्सा जो है जा रहे हैं दादे के पास, वो मैंने कहा इसको चीज़ दिला देना साद, अच्छी कोई चीज़ दिला देना। हाँ, क्योंकि नमकीन सिर्फ पापड़ और मिर्ची वाला नहीं हो। उसको मैंने कहा है साद को कोई अच्छी सी चीज़ दिला दो, क्योंकि ये अक्सर तंग करती रही, फिर गैस जल रहा है यहाँ पर, फिर वो हाथ लगाती है। नाना और अब्बू जान जो है जा रहे थे अभी जी। तो वो चले जाते हैं ना बाहर। हाँ। थोड़ा हवा वगैरह लगवा के आते हैं, फिर मगरिब की अज़ान होती है, फिर घर आ जाते हैं जी। तो वो अक्सर उनके साथ जाती थी, तो वो अभी रो रही थी कि मुझे जो है दादा के साथ जाना था जी। तो वो तो चले गए, फिर मैंने साथ को कहा इसको चीज़ ला दोगे ये चुप कर जाएगी। फिर सारा दिन घर में होती है ना, जब बाहर निकलती है फिर वो खुश होती है, ठंडे मौसम को फिर खेलने जाती है। हाँ जी। अभी जो है मौसम माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बनाया है, बादल चेक करें और ठंडी ठंडी इतनी हवा आ रही है कि ऐसे दिल कर रहा है पंखा जो है नहीं चलाएं, इसी हवा पे बैठे रहे। और एक चम्मच जाना मैंने इससे कभी ऐड कर दी है, इसको अच्छा खासा बुनाई करता है, बुनाई करने के बाद जो है ना फिर ये तुरियाँ ऐड करेंगे। हाँ जी, घी तुरी जो है धो के साफ़ सुथरी करके यहाँ पे रखती है, और धनिए भी यहाँ नमक वाले डब्बे पे रखे हुए हैं। हाँ। इनको भी काट के ये भी इंशाल्लाह आखिर में ऐड करेंगे जी। और लहसुन का पेस्ट भी आ गया है माशाल्लाह, इसको भी साथ साथ में ऐड कर सकते हैं। इसकी खुशबू बड़ी टाइट आती है वैसे। अभी जो है मिसाले का कलर चेक करें माशाल्लाह जबरदस्त, वीआईपी हो गया मिसाला। वाह जी वाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाला से मिसाला हमारा अच्छा खासा ग्रोन हो चुका था, तभी जो है इसमें तूरिया भी ऐड कर दी है। ऐसा तूरियाँ मैंने जो है कच्ची कच्ची ली है और आपने काटा है जो है, तो और ये देखो ये तूरी जो है पूरी रहेगी, ये पक जाएगी, ये जब उबाल आएगा ना। हाँ। तो फिर ये टूट जाएगी इसमें। अच्छा, चम्मच लगाएंगे। हाँ। तो कच्ची कच्ची जो है छोटी छोटी भिंडी एक तूरी ली है। हाँ। क्योंकि ये जो है फिर अच्छी बनती है, जो मोटी वाली होती है ना जी वो फिर मज़ा नहीं आता। और इधर जो है फातिमा अपनी जो है वो फोटो बना रही है, वो बैल के कवर से कैसे बना रही थी दिखाना, वैसे करो तो सही कर ऐसे। हाँ। दो तस्वीरें खींच गई थी यहाँ से, मैं देख रहा था। और क्योंकि पतली हो ना छोटी हो। हाँ। उसके छिलके जो है कम होते हैं, बीज नहीं होते जी। तो फिर जो है ये अच्छी बनती है। हम तो कल से कह रहे थे कि हम आपने घी पूरी बना दी है, फिर आपने। अच्छा यार, वो आधा किलो फ्रिज में रखा हुआ था वो काटी थी, पता नहीं अम्मी को पता। अम्मी वो आधा किलो जो है घिया तोरी काल में लेकर आया था, मैंने कहा दोपहर को कोई सालन बनाएंगे, यासिन लोग आए हुए थे ना, तो आप लोगों ने गुजारा चलाया था, लस्सी वगैरह बना दी थी, लेकिन वो आधा किलो जो है वो रखी हुई थी। नहीं रखी है? नहीं रखी थी, फ्रिज के नीचे वाला खाने में रखी हुई है। वो डाल दिया मैंने। वो काट दिया आपने सारी? अच्छा फिर सही है, चलो काट दिया है तो फिर अच्छी बात है। हाँ। अगर नहीं काटा तो मैंने कहा दोबारा जल्दी जल्दी से काट लें, नहीं तो फिर डाल देंगे। बड़ा थाल चाके और सारा पूरा चाके बाद में धोया है तो काटा है। अच्छा अच्छा, आधा किलो भी नाल। अच्छा अच्छा, आधा किलो भी नाल और जो बाकी थी वो भी साथ। सारी चलो फिर सही है, फिर सही है। ये ना रुकिया,
इसने अम्मी आज रुकिया ने कूलर वाली टूटी तोड़ दी है। हाँ। अभी वो सारा पानी बह रहा था, अभी सारा पानी वो गिर रहा है, ये रुकिया ने आज तोड़ा है। आज जब कल पानी मोक जाएगा ये टूटी लग जाएगा, स्प्रिंग है ना। हाँ, वो स्प्रिंग हाँ, बाहर निकल आया है। हाँ। क्यों तोड़ा है आपने? बच्चा करवाओगे क्या? वो कह रही है मेरे पास पचरा करवाओगे क्या? नहीं नहीं, वैसे मैं आपके साथ, आपको पता है मजाक करता हूँ आपके साथ। मजाक तो करते हैं वैसे। मैं डर गई। अच्छा, अभी कहाँ जाने की तैयारी है? दरवाजा खोल रही थी, बाहर जाती हूँ। अच्छा, टांगों में दर्द है, थोड़ा वर्जिश करने जा रही हूँ। अच्छा, बैठना नहीं आ रहा मतलब? हाँ। इधर उधर जाने का दिल कर रहा है। हाँ, बैठे बैठे थक गई हूँ। अच्छा। हाँ। चलो, किधर जा रही हो अभी, किस तरफ? आपके मामू के घर। अच्छा, इधर जा रही हो? हाँ, तनूर का पता कर रही हूँ। अच्छा, चले जा नहीं चले? अच्छा, हम भी चल रहे हैं साथ। चलो। हाँ जी, जाना था। माशाल्लाह जी, इस तंदूर पे जो है पहुंच चुके हैं, और इधर जो है माशाल्लाह रोटियां जो है वो लग रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात है, जबरदस्त। ये देखें वीआईपी रोटियां। ओए होए 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 होए, अचानक सेक भी बहुत ज्यादा है आज। है आज पता है, दो रोटियां बनानी है, दो घरों की रोटियां। अच्छा अच्छा, इसलिए ज्यादा तंदूर जलाया है आज। लकड़ियां डाली है क्या? नहीं, लकड़ी नहीं डाली, लकड़ी अभी आई है। अच्छा, थापियां डाली है, दो तगारी हमारी थी, एक रुपया ने डाली है। अच्छा, हाँ, तीन तगारियां डाली हुई है, तीन तगारियां डाली है। आज कलर देखिए, लग भी ऐसे रहा है कि फुल भरा हुआ था दो। हाँ। ये थापियां है ना, बस ऐसे लगता है पांच मिनट बाद इसको देखना, नजर भी नहीं आएगी आज। हाँ, ये भी है। जल्दी से ये जंप जाती है, विसम जाती है। अभी ये किसकी बन रही है? ये हमारी बन रही है। अच्छा, हाँ सही। चले, बनाए आज क्या बनाया है खाने में? आज बना रहे हैं रिश्तेदार। रिश्तेदार बनाए हैं? हाँ जी। अच्छा, सही, माशाल्लाह। रिश्तेदार बनाया, हम रात की भिंडी बनाई थी, अभी आपको पता है कुछ नहीं मिलता। अच्छा, तो अभी जो है ना हम रिश्तेदार बनाए हैं। सही, वाह जी वाह। चले माशाल्लाह, बनाए रोटी वगैरह बनाए। इधर जो है रिश्तेदार बने खड़े हैं, और बस रोटी के इंतजार है, रोटी बन जाएगी तो फिर इंशाल्लाह खाना जो है शुरू कर देंगे। खाना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी, इधर देखे रोटी भी रेडी हो गई है, और हमारी घिया तुरी भी रेडी हो चुकी है, और अम्मी जो है अभी देना शुरू कर रही है माशाल्लाह। ये देखें, वाह जी वाह। चले जी, अभी जो है हम खाना खाते हैं, और खाना जो है हमारा रेडी हो चुका है, रात भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर रहे हैं, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना, हमें दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।